एंड वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ एक विंटर स्पेशल चिकन स्वीट कॉर्न वेजिज़ सूप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही इजी ईजिली बन जाती है और विंटर्स में बहुत ही अमी लगता है फ्रेंड्स आप ब्रेकफास्ट में इसको ले सकते हैं और ये रेसिपी मेरे वेजिटेरियन एज वेल एज़ नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स दोनों ही ट्राई कर सकते हैं घर पर बस डिफ्रेंस यही है कि जो वेजिटेरियन है उसमें ये चिकन के पीसेस ना डालें और इसमें मैंने स्वीट कॉर्न डाला है जो कि विंटर्स में ऑसम होता है आपके डाइजेशन में ये हाई कंटेंट ऑफ़ फाइबर होता है इसके अंदर ये नेचुरल प्रोबायोटिक की तरह होता है आपके इंटेस्टाइन में गट बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करता है जो कि आपके डाइजेशन को इंक्रीज करता है और आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है तो इसे आप अपने डाइट में एड ऑन कर सकते हो और सूप में तो बहुत ही अमी लगता है स्वीट कॉर्न तो मेरे वीडियो को फुल देखें एंड तक रेसिपी को घर पे ट्राई करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें बना सकें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे भी आने वाले इस तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड्स मिल बनाते हैं चिकन स्वीट कॉर्न वेजीज सूप तो यहाँ पे मैंने चिकन स्वीट कॉर्न वेजी सूप बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है चिकन चिकन को हमने सबसे पहले बॉईल करके उसको श्रेड करके इस तरह बने पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है अच्छे से ये चिकन स्टॉक है और यहाँ पे मैंने लहसुन को चॉप किया है प्याज लिया है गाजर स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च इनको फाइनली चॉप कर लिया है बटर लिया है मैंने और यहाँ पर मैंने वन ड्रॉप ऑफ सोया सॉस और मैंने नमक लिया है काली मिर्च पाउडर लिया है और कॉर्नफ्लावर फ्लावर पाउडर लिया है सबसे पहले हम एक पैन को गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे बटर के क्यूब यहाँ पर मैंने न्यूट्रोलाइट बटर यूज़ किया है और इसमें हम डालेंगे हम लहसुन जिनको मैंने फ़ाइनली चॉप कर लिया है आप देख सकते हैं इनको अच्छे से हम सौते करेंगे बटर में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अब हम इसमें डालेंगे बाकी कटे हुए वेजिटेबल्स अनियन कैरेट इनको हमने बिल्कुल फाइनली चॉप किया है स्वीट कॉर्न कैप्सिकम और इनको हम सौते करेंगे फ्लेम को हम लो ही रखेंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब हम इसमें चिकन के पीसेस को हम इसमें डाल देंगे चिकन को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था और फिर इसको हमने इससे शेडेड कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे चिकन में हमने बॉईल करते वक्त पानी में नमक नहीं डाला था अगर आप डाल देते हो तो आप आप नमक मर डालिएगा और अब हम इसमें चिकन का स्टॉक डाल देंगे ये वही पानी है जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था और इसमें हम थोड़ा सा बटर और डालेंगे इसको टेस्ट को इन्हांस करने के लिए और इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे ये भी हमारे सूप में एक अच्छा टेस्ट लाता है और इसमें थोड़ा सा हम सोया सॉस डालेंगे इसके कलर को थोड़ा सा रिच करने के लिए ज़्यादा मत डालिएगा फिर ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा और अब हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लड़ी बनाएंगे सूप को थोड़ा सा थिक करने के लिए इसमें मैंने वन टू टू टेबल स्पून अराउंड कॉर्नफ्लावर पाउडर लिया है थोड़ा सा पानी लिया है और इसको से हमने लड़ी बना ली और अब हम इसको सूप में ऐड कर देंगे और इसे हम एक बॉइल देंगे अभी आप फ्लेम को हाई कर सकते हो इसको दो मिनट तक हम बॉईल करेंगे और ये हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी है तो मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे आगे भी इस तरीके की इंटरेस्टिंग रेसिपीज के अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहेंगी इस सूप को आप ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हो यहाँ पे मैंने मल्टी ग्रेन के साथ इसको सर्व किया है और ये बहुत यमी लगा है फ्रेंड्स खाने में आप भी इसको अपने संडे ब्रेकफास्ट में ट्राई कर सकते हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग